मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। दिसंबर महीने के पहले ही दिन इस साल को जब मुड़कर देखते हैं तो 11 महीने परमेश्वर ही ने हमारी अगुवाई की। बहुत सारी अच्छी बातें, कुछ कष्ट भरी बातें भी हुई हैं, बहुत सारे अच्छे रास्तों में ले गया, कभी कभी कठिन रास्तों में भी परमेश्वर ले गया। ऐसे बहुत सारी मुश्किलों को झेलने के बावजूद भी परमेश्वर के लोगों, इस साल के आखिरी महीने में हम प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस साल के एक विशेष वचन को जरा हम देखें। आप मेरे साथ बाइबल को मोड़िए, लूका रचित सुसमाचार में परमेश्वर के लोगों पहले अध्याय के 34वें वचन में जो है मसीह के जन्म के संदेश को वहां पर जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर मैं ये वचन आपको पढ़ना चाहता हूं। पहले अध्याय के 34वें वचन में कहा गया है कि तब मरियम ने जो है उस दूत से कहा कि ये क्यों कर होगा, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूं। शारीरिक रूप से दुनिया के अनुसार यह नामुमकिन है, यह कैसे होगा, यह कैसे होगा। यह जो है सालों साल से जो है क्रिसमस के दिनों में यह वचन बोला जाता है, ऐसा मत सोचिए, पर आज का वचन, इस महीने का वचन भी है, ये कैसे होगा, यह क्यों कर होगा, क्या ये होगा, का ये नामुमकिन है, मेरा बेटा कैसे मन फिराएगा, मेरा पति शराब कैसे छोड़ पाएगा, क्या हम घर खरीद सकते हैं, क्या ये आसान सी बात है। ऐसे बोलो सर जो होगा, ऐसा आप सोच रहे हो ना, आप ही को परमेश्वर का वचन है, यह क्यों कर होगा। मरियम ने कहा कि हाउ इट इज पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा बोल बोल कर ही जो है हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें गुजर गई हैं। पर आज मैं आपको परमेश्वर के नाम से कहता हूं, जो असंभव है उसे संभव में बदलने वाला परमेश्वर, जो नहीं है उनको ऐसे बुलाता है जैसे मानो वे हैं। इस दिसंबर के महीने में भी परमेश्वर अपने हाथ को आपकी ओर फेरेगा। आमेन। जो नहीं है उन्हें वो ऐसे बुलाता है मानो जैसे वे हैं। रोमियो की पत्री 4 अध्याय के 17 वचन में प्रेरित पौलुस ने जो लिखा है उसे आप याद करके देखिए, ये कैसे होगा। मरियम के अंदर जो उलझन था वो कैसे होगा, यूसुफ के अंदर उससे भी बड़ा उलझन, यह तो नहीं चलेगा, रहस्यपूर्वक स्त्री को धकेल देते हैं, पर परमेश्वर उनके ऊपर एक डिवाइन पर्पस, एक दैविक योजना उसने रखा था। यीशु जन्मा, यीशु जन्मा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस महीने भर में एक वचन को क्या आप नहीं भूलोगे, वो मालूम है कौन सा वचन है। मैं परमेश्वर के नाम से आपको बताता हूं, गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 19वां वचन, गलातियों की पत्री 4:19, वहां पर प्रेरित पौलुस बताता है कि हे मेरे बालकों, तुम जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। तो आपके अंदर जो मसीह उत्पन्न होना जरूरी है, उसके लिए आप कुछ भी सैक्रिफाइस कीजिए, मसीह को उत्पन्न करने वाले आप बन जाइए, वही परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है। इस महीने में आपके आमदनी के अनुसार, आपके बस सुविधा के अनुसार यीशु मसीह के जन्मदिन को आप बनाइए, गरीबों को, विधवाओं को, अनाथों को संभालिए, उनकी सहायता कीजिए। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि गरीब सेवकों की सहायता करें, गरीबों को जो बेडशीट और कपड़े खरीद के दें, गरीब सेवकों को हम सहायता करना चाहते हैं। हमारे साथ मिलकर भी आप अपना हाथ हमारी ओर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। परमेश्वर की स्तुतियों प्रार्थना करते हैं, इस महीना भर परमेश्वर आपको संभालेगा। प्यारे पिता परमेश्वर, इस महीने भर हे पिता, इस विशेष रूप से इस वातावरण में जब सर्दियां बरसात हो रही हैं,
सभी बुराइयों से हानियों से बचाकर परमेश्वर की शांति बढ़ती रहे, परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता रहे, परमेश्वर का सामर्थ्य बढ़ता रहे। यह कैसे होगा हे प्रभु? क्या मेरा बेटा सुधरेगा? मेरी बेटी की शादी होगी? मेरे घर में कुछ बदलाव आएगा? अद्भुत होगा? जो जो ऐसे संदेह से रहते हैं आज इस महीने से अच्छी बातें उनकी जिंदगी में है। यीशु के नाम से अद्भुत तेरे बच्चों के लिए हम ले लेते हैं, धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बिना भूले दूसरों को जरूर शेयर करें, इंग्लिश में सुनने वाले भी दूसरों को शेयर करें, हिंदी में सुनने वाले भी दूसरों से शेयर कीजिए। मैं बहुत ही प्रेम के साथ ये विनती आपके सामने रखते हैं, फिर मिलेंगे, गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।